रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफ्ताब नासर जी। डिस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 16 है। इसकी स्टेटमेंट मैंने बताया हुआ है कि इसको हमने फैक्टर थ्योरम के इस्तेमाल से इसको सॉल्व करना है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम विदाउट डिवाइडिंग, डिवाइड नहीं करना हमने। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है जी, हमें लेट करना है जी कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल इसको हम पी ऑफ एक्स की इक्वल ले लेते हैं 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1। इसको फर्स्ट पॉलिनोमियल की को ले लिया और फिर हमने जो हमारे पास फैक्टर थ्योरम है कि हमारे पास x माइनस a जो है इसको इक्वल ले लेना सेकंड पॉलिनोमियल जो दिया गया उसके इक्वल। तो यहाँ पर x से x कट गया तो पीछे रह गया माइनस a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर माइनस दूसरे से भी ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस 1 आ जाती है। अब माइनस 1 जो a की वैल्यू है इसको फर्स्ट पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते जाएंगे x की जगह पर। नाउ हम लिख करेंगे p ऑफ माइनस 1, जिधर जिधर x होगा माइनस 1 पुट करेंगे, 5 इंटू माइनस 1 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट p ऑफ माइनस 1, तो ये 5 वैसे ही आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब लें तो माइनस 1 का क्यूब बनता है माइनस 1 नहीं, तो ये हमारे पास 5 को माइनस 1 के साथ वैसे लिख लेंगे ऐसे। फिर माइनस 1 का स्क्वेयर करें तो ये स्क्वेयर मतलब इवन है, पावर इवन हो तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 वैसे ही आ जाता है, 1 की जितनी पावर ले लें वो 1 ही रहता है, माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1। तो यहाँ पर आ गया माइनस 5 को माइनस 1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 और 2 को 1 से किया तो 2 और ये 1 फिर 1 आ गया, ठीक हो गया जी। तो इनको आप सॉल्व करें तो ये माइनस 5 है, ये पॉजिटिव वैल्यू, इनको ऐड करें तो 4 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन में देखें ये सॉरी इधर ना 2 की जगह 3 आता था, ये थोड़ी सी इधर मिस्टेक हुई है, सिर्फ आपने 2 की जगह इधर 3 रखना है, इधर भी और ये यहाँ पर इधर भी, ठीक हो गया, ये 3 आएगा, बस इतनी मिस्टेक हुई है, आपने ये लाजमी देखना है इसको। तो माइनस 5 और ये 3 1 2 5, ये प्लस 5, तो 5 में से माइनस 5 निकालते हैं तो मैं रिजल्ट इसका क्या मिलता है जी, 0। तो सिंस पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 आया तो हम कह सकते हैं देन बाय फैक्टर थ्योरम, देन बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है 5x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पर x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है 5x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1 का, यही हमने साबित करना था। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 17 क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 है। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट कर लेना है इसको फर्स्ट पॉलिनोमियल को p ऑफ x की इक्वल। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल 2y³ माइनस 8y² प्लस y माइनस 4, ठीक हो गया। हमारा काम इसमें क्या है कि हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल को p ऑफ x की को लेट कर लिया, अब यहाँ पर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हमारे पास जो है x माइनस a उसको इक्वल रखना है सेकेंड पॉलिनोमियल की तरफ, वो है 5 माइनस 4। तो यहाँ पर देखें सॉरी अब इधर वेरिएबल y है तो हम y ले लेंगे, ठीक हो गया, y से y कट गया, माइनस से माइनस कट गई, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई जी, 4 आ गई, ठीक हो गया। अब जिधर जिधर x होगा सॉरी ये इधर x हमने लिया है y लेना था, इसमें वेरिएबल क्या है y है, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे 4। तो यहाँ पर हमारे पास है नाओ p ऑफ y की जगह हम लिखेंगे 4 a की वैल्यू, तो वो हमारे पास आ जाता है जी 2 × 4 3 माइनस a इंटू 4 2 प्लस 4 माइनस 4, ये आ गया। तो ये आ गया p ऑफ 4 2, वैसे 4 3 4 इस बच्चे से बना था 4 × 4 × 4 4 4 16 16 4 64, फिर 4 4 16, ये प्लस माइनस कट गए। नेक्स्ट ये 2 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 128, और 8 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 8 6 48, असल 4 8 1 4 12,
तो ये माइनस प्लस कट गया, तो यहाँ इसका आंसर आ गया ज़ीरो। अगर ज़ीरो आ गया तो मैं कह सकता हूँ सिंस पी ऑफ फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो मैं कह सकता हूँ देन बाय फैक्टर थ्योरम, देन बाय फैक्टर थ्योरम एक्स सॉरी वाई माइनस फोर, तो ये साबित हो गया कि वाई माइनस फोर जो फैक्टर है ये इज़ द फैक्टर ऑफ वाई क्यूब एट वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस फोर। यह हमने साबित कर लिया फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए कि ये सेकंड पॉलीनोमियल फर्स्ट पॉलीनोमियल का फैक्टर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है जी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हमने लेट कर लेना है ये जो फर्स्ट पॉलीनोमियल इसको पी ऑफ जी, जो वेरिएबल होगा जी के साथ वो वेरिएबल लेंगे, ठीक हो गया, जी क्यूब जी स्क्वेयर माइनस फोर जी, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 18 आ गया, माइनस फोर दी माइनस जी। सेकंड स्टेप हमारा है इसमें कि जी माइनस ए बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, जी माइनस ए ये सेकंड पॉलीनोमियल की इक्वल है जी प्लस टू, यहाँ पर जी जी से कट गया, इधर हमारे पास रह गया माइनस ए इज इक्वल टू प्लस टू, तो यहाँ हमें ए चाहिए माइनस नहीं साथ चाहिए, तो माइनस दूसरी साइड पे चली जाएगी, तो यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती माइनस टू आ जाती, ठीक हो गया, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, इस ए की वैल्यू को फर्स्ट पॉलीनोमियल के अंदर पुट कर देते हैं, तो जिधर जिधर जी होगा उसकी ए की वैल्यू क्या है माइनस टू, वो पुट कर देंगे, तो जी की जगह लिखें जी माइनस टू होल पावर थ्री माइनस फाइव माइनस टू होल पावर स्क्वायर फोर माइनस टू पी ऑफ माइनस टू, माइनस टू रेज पर थ्री से मुराद है कि माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आ गया, दो दो चार चार दो आठ। नेक्स्ट ये माइनस टू की पावर लें तो ये दो दो चार, और ये पावर इवन हो तो ये प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा चार माइनस माइनस प्लस चार दो आठ माइनस माइनस प्लस, ये आ तो ये आ गया माइनस एट माइनस चार पाँच बीस एट प्लस टू आ गया, ठीक हो गया, ये एट माइनस पॉजिटिव कट गया, बीस में से दो निकाले ये माइनस का भी प्लस का टू निकाला तो ये माइनस एटीन आ जाता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हम ज़ीरो की इक्वल देखना चाह रहे थे तो ये ज़ीरो की इक्वल नहीं आया, ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या किया जी, एट माइनस फोर ट्वेंटी प्लस एट, और ये लास्ट पे माइनस टू है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर ये माइनस फोर आता था लास्ट पे, फोर दी के साथ ये माइनस फोर आता था, ये थोड़ा ये मिस्टेक कर लेना, ये करेक्ट कर लेना, ये माइनस जी नहीं इधर आता माइनस फोर आता है, तो यहाँ पर माइनस फोर आ जाएगा, माइनस फोर माइनस फोर, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी माइनस फोर, और ये एटीन में जब ऐड करते हैं ये माइनस फोर आ जाएगा, तो अब देखें माइनस एट प्लस एट कट गया ट्वेंटी, और ये इधर से गया तो ये माइनस ट्वेंटी फोर आ जाता है, इसका आंसर यहाँ पर आया माइनस ट्वेंटी फोर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, फिर भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इनको ऐड कर लेना, ये थोड़ा सा मसला बना है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये लास्ट पे माइनस फोर लिखा हुआ है, माइनस फोर और ट्वेंटी को जब हम ऐड करते हैं तो ये माइनस ट्वेंटी फोर बन जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंस पी ऑफ माइनस टू नॉट इक्वल टू माइनस ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो मैं इधर सिंपल कह लूँगा देन बाय फैक्टर थ्योरम एक्स सॉरी जी प्लस टू इज नॉट फैक्टर ऑफ कौन सा, ये दिया हुआ हमारे पास स्पेस का, हम इधर लिख लेते हैं ये फर्स्ट पॉलीनोमियल, ये इसका फैक्टर नहीं बना माइनस फोर जी प्लस माइनस फोर, तो ये जी प्लस टू इसका फैक्टर नहीं है, साबित कर दिया। यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 मुकम्मल होता है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।